चलो ठीक है यार, इस बार भी कोई मछली मरी है। सारे मॉन्स्टर बाहर आ गए और बहुत ज्यादा वो गुस्सा है यार। कौन हो सकता है यार फ्रैंकलिन इस बार? मुझे पता नहीं, चल के देखना होगा। फ्रैंकलिन जयंती मुझे लगते है, अरे बाप रे, ये तो ब्लू है, वो भी नीली वाली। बहुत मुश्किल में आ गए, चलो जल्दी करो, आ जाओ बाहर आ जाओ। अरे फ्रैंकलिन बहुत प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हो रहा है? एक मॉन्स्टर मर चुका है अंदर से, जिसका नाम ब्लू है, वो भी नीला वाला। अरे यार नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, हमें देखना होगा जल्दी, उसको ठीक करना होगा या फिर पता करना होगा किसने मारा उसको। फ्रैंकलिन लेकिन अगर नहीं पता कर पाए तो मॉन्स्टर हमें मार देंगे और हमारे पूरे लॉस सेंटर्स में तबाही मचा देंगे। मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन पिछली बार हमने कर लिया था बहुत ही आसानी से, बस 200 लाइक्स और सब्सक्राइब से हो तो सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज जरूर कर देना। तो ठीक है जल्दी जाता हूँ। तो क्या हुआ, कुछ मिला? किसने मारा, कैसे मारा और कैसे मारा ये ब्लू मॉन्स्टर, जल्दी मुझे बताओ। नहीं मेरे भाई, ब्लू मेरे दोस्त, तू कैसे मर गया, तेरी मुझे बहुत याद आएगी। एक बार फिर उसको मार दिया, हर बार मार देते हो तुम लोग, ब्लू तुम्हारे बिना समंदर अधूरा हो जाता है। हाँ ब्लू मेरे भाई, पिछली बार तुम्हारे भाई को मार दिया था, इस बार तुम्हें मार दिया, ये इंसान बहुत बुरे होते हैं। अब हम क्या करें, हमारे ब्लू किन लोगों ने मार दिया। ओए हमने नहीं मारा यार, कम से कम पहले ये तो जान लेने दिया करो यार कि मारा किसने। बस जब होता है तुम लोग इल्जाम लगा देते हो। है यार कम से कम हमें इन्वेस्टिगेट तो करने दो, हमें पता करने दो, हमें पता चल जाएगा तो हम जरूर तुम्हारे दोस्त के कातिल का पता लगा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम ब्लू को ठीक भी कर दे। बिल्कुल सही बात, कम से कम मौका तो दिया करो, जब होता है इल्जाम रख देते हम पे, कैसा लगता है कि हमने मारा। वेल तो फिर किसने मारा है हमारे ब्लू को? ब्लू मेरे भाई, आई लव यू मेरे भाई। हमेशा तुम इंसान सबको मारते हो, निकालने वाले तुम इंसान सबको मारते हो। ब्लू ब्लू मेरे भाई, तुम्हारी बहुत याद आ रही है हमको, हमारा दिल टूटा जा रहा है और हमारा कलेजा बटा जा रहा है, बिल्कुल ब्लू की याद में। कहाँ गए तुम्हारे बिना समंदर इतना अधूरा, इतना अधूरा, हम कहाँ बताएं। हमारे ब्लू ब्लू को ठीक कर दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। तो ठीक है रेवेंजर्स, तुम और तुम्हारे भाई जल्दी जाकर पता लगाओ पानी के अंदर कि आखिरकार ब्लू को किसने मारा है, ठीक है? जहां तक मुझे लगता है इनमें से किसी ने मारा है, लेकिन हमें जरूर पता चल जाएगा, किसी इंसान ने नहीं मारा इतना तो तय है। हम ब्लू को ले जाकर मैं लैब में टेस्ट करता हूँ कि आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई है। इतना बड़ा मॉन्स्टर मछली यार इतना आसानी से नहीं मर सकती, और जैसे भी मरी है, ब्लू बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर था यार, मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह से जानता था, मैं कभी नहीं चाहता था उसको कुछ हो। अब हम क्या करें बताओ फ्रैंकलिन? मैंने कहा ना, तुम रेवेंजर और ब्लैक रेवेंजर, तुम दोनों जाओ समंदर के अंदर, देखो आखिरकार ब्लू को किसने मारा है। हो सकता है क्रैकर ने मारा हो, पिछली बार तो क्रैकर नहीं मारा था। इस बार हम क्या करें फ्रैंकलिन? है तुम यहीं पे रहना रैबिट के साथ, ध्यान देना यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो हमें ना पता हो, ठीक है? ठीक है ठीक है, समझ गए। रैबिट तुम इसके साथ रहना। हाँ फ्रैंकलिन, तुम बिल्कुल परेशान मत, मैं टाइगर के साथ रहूंगा। चलो ठीक है, सबको मैंने काम बांट दिया है। विनी विनी तुम भी हो यहाँ पर? हाँ फ्रैंकलिन मैं भी हूँ। तुम टाइगर और साथ में रैबिट एक साथ यहाँ पर रहना, कोई भी हलचल होती कुछ भी होती तुम लोग मुझे कॉल में बता सकते हो, ठीक है? अभी फिलहाल मैं ब्लूप को अपनी कार पे लाद के ले जा रहा हूँ लैब में, इसकी टेस्टिंग वगैरह करने, और जहाँ तक मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो यार, मैं यही बिल्कुल चाहता हूँ कि ये लोग पूरी तरह से दुनिया पर बात कर देंगे और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। तो तुम लोग जल्दी जाओ, खड़े क्यों हो? ठीक है मैं जाता हूँ, तुम तैयार हो ना ब्लैक की मेरे भाई? हाँ भाई तैयार है तैयार है। चलो जल्दी करो, हमें समंदर के अंदर जाना होगा। अरे भाई आ रहे आ रहे, जल्दी करो जल्दी। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गॉडज़िला मरे जा रहा हूँ। ठीक है जल्दी करो ब्लैक, जल्दी करो, मैं अंदर चलना होगा। हाँ भाई आ गए आ गए आ गए, आपके साथ ही आ रहे, हमें अंदर जाना होगा, चलो। ठीक है देखते हैं ब्लू की आत्मा कहाँ पर है, अगर हमें ब्लू की आत्मा मिल गई और उस आत्मा में कौन मारा है ये पता चल गया तो हम आसानी से ब्लू को ठीक कर देंगे और ये दुनिया बच जाएगी, नहीं तो ये दुनिया को खत्म कर देंगे ये पूरे मॉन्स्टर्स मिलके, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो ठीक है जल्दी ढूंढता हूँ। मैं आप सभी मॉन्स्टर को ये दिलासा देना चाहता हूँ कि मैं आपके भाई को ब्लू को ठीक कर दूंगा, बस आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप लोग शहर जाकर बिल्कुल भी कोई भी तरह की तबाही मत मचाइएगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मैं ब्लू को ठीक कर दूंगा, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मेरा नाम फ्रैंकलिन क्लिंटन है। दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो लाइक कर देना, अगर आप लोग वीडियो लाइक कर दोगे तो हम ब्लू को ठीक कर देंगे, ये भी पता लगा लेंगे कि आखिरकार ब्लू को किसने मारा है। इस ब्लू ब्लू को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितने भी मारा है वो अपने फायदे के लिए मार सकता है, क्योंकि ब्लू समंदर पर राज करता है और समंदर का राजा न जाने कौन बनना चाहता है, मुझे नहीं पता। खैर ठीक है, तुम लोग सब तैयार हो? फ्रैंकलिन चलो चलते हैं उसको लेकर। है फ्रैंकलिन चलो चलते ही। ठीक है पूरी नजर एकदम गड़ो कर रखना, इन लोग कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। बिल्कुल परेशान नहीं फ्रैंकलिन, हम सब कुछ देखे रहेंगे। है फ्रैंकलिन हम लोग ऊपर भरोसा करो यार। अरे फ्रैंकलिन बिल्कुल भरोसा हम लोग पर रखो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है तुम लोग अपना ध्यान रखना, चलो हम लोग इसको लादते हैं और लेकर चलते हैं, चलो जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी वक्त नहीं है, जल्दी करो। है फ्रैंकलिन आ गया जल्दी करो, चलो चलो जल्दी बैठो यार वक्त नहीं है। बैठ गया यार फ्रैंकलिन, ये किया और ये बैठ गया, चलो चलते। ठीक है चलो निकलते हैं, उम्मीद करते हैं बाकी हमारे सारे दोस्त सब कुछ
संभाल लें अच्छी तरह से। फ्रैंकलिन जो हमारी वीडियो देखी उनसे बोल दो वीडियो को लाइक कर दी। हाँ मैंने बोल दिया, तुम लोग बोल दो अगर बोलना है तो। ठीक है दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो हम जिससे ब्लूप को ठीक कर सके, नहीं तो सारे मॉन्स्टर मिलके लॉस सैंटोस को खत्म कर देंगे और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। ऐसे चैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। जल्दी लैब चलते हैं, इस बार हमें लॉस सैंटोस के लैब जाना होगा, वहाँ पर नहीं जाना होगा जहाँ पिछली बार हम गए थे, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है और अपने प्यारे ब्लूप को हम ठीक नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पर जाएंगे, बहुत देर हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तो ठीक है फ्रैंकलिन चलो जल्दी चलते हैं लॉस सैंटोस वाले लैब में। हाँ ठीक है वहीं पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है चलो भाई जल्दी करते हैं। मैगे फ्रैंकलिन आ गए। हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है। ठीक है आगे से चलते हैं। अरे यार ये वाला लैब बहुत छोटा है, बहुत बड़ी मछली है यार ये ब्लू। मुझे भी पता है लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है तो हम यहीं पे करते हैं। ठीक है बाहर सारी चीजें मैं लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना। ठीक है फ्रैंकलिन हम यहीं पर रहे, चलो जल्दी लेकर आओ। यहीं पर रहना मैं आता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन हम इसका ध्यान रखते ही। हाँ ध्यान रखो मैं आता हूँ। ठीक है जल्दी चलता हूँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं सारे इक्विपमेंट्स मिल जाए। भाई हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो तुमने बिल्कुल सही कह लेकिन हमको ढूंढते रहना होगा समझे। ब्लूप के जहाँ तक रो है यहीं पर कहीं होगे। ठीक है भाई लेकिन हमको ऐसा लगता है यहाँ पे ढूंढना फिजूल है। अबे उसको मारने वाला कोई समुद्र का व्यक्ति हो सकता है, पार का कोई बंदा नहीं है, समझ गए ना तू? ठीक है भाई समझ गए। अब हमारे पीछे आओ भाई, एक काम करते तुम हमको अपने पीठ पे लाद ले। क्यों भाई असल में क्या ना हमको थोड़ा प्रॉब्लम होती पानी में रहने में। चल ठीक है चल मेरे पीठ पे आ जा। चल फिर देखते हैं कहाँ पर है वो। भाई थोड़ा आराम से, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है समझो। भाई परेशान मत हो हम उसे ढूंढ लेंगे, बस क्या है ना कि वीडियो लाइक होनी बहुत जरूरी है। भाई वो कर तो देते हैं। नहीं यार मुझे नहीं लगता कि वो कर देते हैं, क्योंकि आजकल मेरी वीडियोस चल नहीं रही और मुझे बहुत तकलीफ है, दिल में चोट पहुंच गई मेरे। कोई नहीं भाई एक नहीं चली तो क्या हुआ, लेकिन ये वाली जरूर चलेगी। बस यही चाहता हूँ कि वीडियो को बोलो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, हमें बहुत गहराई में जाना होगा। ठीक है तैयार है तू? हाँ भाई तैयार है लेकिन मन नहीं कर रहा अंदर जाने का। डरा मत कर ज्यादा समझे कि नहीं? ठीक है भाई ठीक है। अबे मिल जा भाई कहाँ है? भाई ज्यादा अंदर न चलो भाई हमको डर लग रही है। अबे तू परेशान ना, हम लोग रेवेंजर्स साल का है और रेवेंजर्स कभी डरते नहीं है समझा। अच्छा भाई ठीक है। भाई देखो। अरे बाप रे ये रही ब्लूप की आत्मा। हाँ यार यही तो है, हमें इसे लेकर ऊपर चलना होगा। लेकिन कैसे भाई ये तो आत्मा है। तुम्हारी डिबिया लेकर आया कि नहीं? नहीं भाई नहीं लेकर आया, फ्रैंकलिन भूल गया था देने के लिए। अरे बेवकूफ कहेगा, हमें फिर वापस जाना होगा डिबिया लाने के लिए जिसमें आत्मा को कैद किया जाता है। अरे भाई पहले कह नहीं बोले। तो सारे इक्विपमेंट्स मेरे ख्याल से ऊपर होंगे तो जल्दी कर दो। उम्मीद करता हूँ कि रेवेंजर्स उसकी आत्मा निकाल ली हो यार, अगर निकाल लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे यार बहुत ऊँचा है। ठीक है जल्दी करता हूँ, जल्दी, नहीं तो अगर ज़्यादा लेट होगी तो मॉन्स्टर्स पागल हो जाएंगे और पूरे लॉस सैंटोस के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है कहाँ है सारी दवाएँ कहाँ हैं? हाँ ठीक है यहाँ पर रही, ये रही सारे। जल्दी इसको लेता हूँ और नीचे निकलता हूँ बैग के अंदर। बहुत सेम निकलते हैं, जल्दी से वापस जाते हैं और ब्लूप का सैंपल टेस्ट करते हैं आखिरकार उसकी मौत कैसी हुई, किसी ने मारा है या फिर खुद मर गई। हाँ तो मुझे लगता है अगर किसी ने उसको मारा होगा तो उसे हम जिंदा कर सकते हैं उसके अंदर आत्मा वापस डालकर, लेकिन अगर वो खुद मरी होगी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे मॉन्स्टर में से कोई ना कोई मॉन्स्टर तो जरूर उसको मारा है, इतनी बड़ी मछली बस यूं ही थोड़ी नहीं मर सकती है। ठीक है आगे मैं नीचे बिल्कुल जहाँ मुझे लगता है कि टाइटन्स ने मारा है। ठीक है अंदर जाओ। आ गया मैं आ गया, जल्दी ब्लूप को नीचे रखो, मैं उसको देखता हूँ, उसको सैंपल टेस्ट करता हूँ। चलो मुझे लगता है अगर खुद वो नहीं मरी है तो टाइटन मॉन्स्टर ने मारा है। मुझे भी ये लगता है फ्रैंकलिन। तो ठीक है टेस्ट मैं करता हूँ जल्दी। और कितना टाइम लगेगा, मुझे बहुत रोना आ रहा है। कब हमारा ब्लूप ठीक होगा, मैं परेशान हो गया। कब हमारा ब्लूप ठीक होगा? तब तबाही मचाने का वक्त आ गया, बस बहुत हो गया, बहुत इंतजार हमने कर लिया, फ्रैंकलिन ने हमसे झूठ कहा था। अरे पहले थोड़ा सा रुक जा, फ्रैंकलिन गया है वो सब कुछ ठीक कर देगा, मेरी बात मानो, मॉन्स्टर हम पे भरोसा करो, तुम लोग ऐसा कुछ मत करना जिससे हमें सबको परेशानी हो प्लीज। ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, पहले यही हमें मारते हैं फिर आकर हमको दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ नहीं की गलती है, मारो इन्हें। अरे यार ऐसा कुछ मत करने भाई प्लीज, हम तुम लोग के सामने हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो। हाँ प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लो, फ्रैंकलिन सब कुछ ठीक कर देगा। फ्रैंकलिन कुछ ठीक नहीं कर पाएगा, उसने बहुत लेट कर दी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। भाई हम क्या करें, तुम्हारी वजह से हमें बहुत परेशान होना पड़ेगा। भाई एक काम करते चलो वापस चलते हैं। हाँ भाई करना पड़ेगा, हमें जाकर जल्दी से डिबिया लानी होगी। अरे अरे वो क्या है भाई मेगलाडॉन? अरे नहीं नहीं जल्दी छिपना होगा, जल्दी। मेगलाडॉन कैसे आ गए यहाँ पर? पता नहीं भाई, देखते हैं चुपके से यहाँ पर। पता नहीं कितना टाइम लगाएगा टाइटन मॉन्स्टर, उसने मुझे मारने को कहा था, मैंने मार दिया पूरे परिवार समेत, लेकिन फिर भी वो अभी तक आया नहीं। ब्लूप को मारना आसान नहीं था,
मेरा आधा परिवार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उसकी आत्मा बाहर निकाल ली। अब ठीक है भाई, समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ, उस टाइटन मॉन्स्टर ने मारा है, लेकिन पता नहीं किस लिए मारा, मुझे समझ में नहीं आता। हमें पता लगाना होगा भाई, पता लगाना होगा। पहले यहाँ से आराम से निकल जाए, नहीं तो हमें मार देगी मेगलोडॉन। हम मेगलोडॉन से नहीं लड़ सकते भाई, परेशान में तो हम निकल जाएंगे। बहुत उसे दूर रुक के देख रहा है, न जाने कब तक निकलेगा वो। मेरे ख्याल से हमने इनको बहुत वक्त दे दिया, बस बहुत हुआ, अब इंसान के ऊपर हम तबाही मचाएंगे। चलो मेरे भाई, अब इंसान को सबक सिखाने का वक्त आ गया, अब उनको पता चलेगा कि हम क्या चीज है, क्या कर सकते हैं। उसने हमारे भाई ब्लूप को मारा है, अब इंसान को हम खत्म कर देंगे। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। अब मैं ऐसे ही पूरे फाइनवुड को खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद लॉस सैंटोस जाऊंगा और उसको भी तबाह कर दूंगा, मार दूंगा सबको। अरे यार अब क्या करेंगे, उन लोग तो गए पूरी सिटी में तबाही मचाने। एक काम करो फ्रैंकलिन ने कहा था कॉल करना, कुछ गड़बड़ होगा, जल्दी कॉल करो। अरे मैं ही करता हूँ जल्दी करता हूँ फ्रैंकलिन के पास कॉल। अरे बाप रे, नहीं पत्थर बचा के, छोटे पत्थर बचा के। हाँ भाई ठीक है समझ गया। कहाँ गए सब लोग? हाँ बोलो कहाँ गए। अरे तुम रेवेंजर क्या हुआ? मुझे आत्मा मिल गई, लेकिन तुम्हें पता है उस टाइटन मॉन्स्टर ने ब्लूप को मारा है, हमें फ्रैंकलिन को जल्दी बताना होगा। ठीक है मैं बताता हूँ। क्या उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी क्या? हाँ उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी। अरे नहीं यार, यहाँ पर चल क्या रहा है? पूरी तरह से मौसम खराब हो गया। खैर मैंने पूरी तरह से देख लिया है, इसको मारा गया है। हे सिंचैन, इसे मारा गया, नोट कर लो। ठीक है फ्रैंकलिन में समझ गया, लेकिन हमें निकलना होगा, लगता है उन लोगों ने हमला कर दिया, मौसम बिगड़ गया फ्रैंकलिन। अरे नहीं नहीं नहीं, बात तुमने बिल्कुल सही कही, ये लोग तबाही मचाना शुरू कर दिए, पूरे शहर में ये लोग फैल चुके हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, जल्दी ब्लूप को जिंदा करना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम क्या करें फ्रैंकलिन? हमें जाकर जितनी जल्दी हो सके रेवेंजर से पूछना होगा क्या उसकी आत्मा मिली कि नहीं मिली। हमें वापस चलना होगा बीच पे, जल्दी करो जल्दी बैठो। चौप तुम अंदर हो ना। यार फ्रैंकलिन मैं अंदर ही हूं, जल्दी करता हूँ। नहीं नहीं हमें जल्दी निकलना होगा, जल्दी करो। किस्मत हमारी अच्छी थी कि हम वापस कार में बैठ गए, हमें जल्दी निकलना होगा बीच की ओर, वो हमें पकड़ ना पाए, नहीं तो हमें भी मारेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे वो। तो जल्दी करो फ्रैंकलिन, जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। अरे फोन आ रहा है, ठीक है उठाता हूँ। अरे बिट बोलो क्या हुआ? फ्रैंकलिन वो लोग जा चुके हैं, वो लोग शहर की तरफ गए। हाँ मैं देख रहा हूँ शहर में तबाही मचा रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? ब्लूप की आत्मा मिली कि नहीं मिली? रेवेंजर्स लोग आए, वो बता रहे हैं कि पानी के अंदर है उसकी आत्मा, लेकिन एक मछली है उसकी पैरेदारी कर रही है, उस आत्मा को हम जल्दी निकाल नहीं सकते, और जो डिबिया के अंदर आत्मा को कैद किया जाता है वो तुम्हारे पास है। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, बहुत जल्दी मैं आता हूँ, बहुत तेज मैं आता हूँ। और बाकी उसने ये भी बताया कि जो बड़ा टाइटन मॉन्स्टर है ना, उसने मारा है ब्लूप को। अरे बाप रे, ये बात है, मतलब उसने मारा है, वही सब कुछ करा रहा है। हमें जल्दी करना होगा, ये लोग पूरी तरह से बददिमाग है, इनके पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। काइजू तो मेरे ऊपर हमला किया था यार, उसने मुझे मारा भी। तो ठीक है जल्दी आओ, नहीं बहुत देर हो जाएगी फ्रैंकलिन। हाँ मैं बस आ रहा हूँ, बहुत तेज आ रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगे, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है हम बीच पर आ गए, लेकिन उम्मीद करते कि बोलो ठीक हो यार फ्रैंकलिन, तभी तो उसने कॉल किया था, ठीक होंगे तभी, मेरे कहने का मतलब सब ठीक हो, बस यही मैं चाहता हूँ। ठीक है कहाँ हो तुम लोग? रैबिट कहाँ हो? आई लव फ्रैंकलिन, इधर हूँ इधर। अच्छा ठीक है मैं आ गया। अच्छा जल्दी करते हैं फ्रैंकलिन, मैंने देखा। क्या देखा रेवेंजर? तुम जल्दी मुझे बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, समझ रहे हो ना, पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। लावा मॉन्स्टर उसने मारा है, हमें पहले जल्दी अंदर जाके आत्मा ला के इसके अंदर डालनी होगी। हाँ तुमने सही कहा, आत्मा डालने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि एक बहुत बड़ी मेगलोडॉन मछली है जो उसकी रक्षा कर रही है, मतलब उसकी रखवाली कर रही है। अब क्या करें, इतना आसान नहीं होगा उसको हराना। अरे फ्रैंकलिन हम उसे हरा देंगे, हमें जल्दी करना होगा, हमको सब मिलके अंदर जाना होगा। चलो ठीक है। अरे फ्रैंकलिन अगर हमने ब्लूप को जिंदा कर दिया तो ब्लूप उसको मार देगी, ब्लूप बहुत ताकतवर ही। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो ठीक है अंदर सब लोग चलते हैं। चलो आ जाओ जल्दी करो, जल्दी हमें अंदर चलना होगा। ब्लूप को भी साथ में ले लो, एक काम करो ब्लैक तुम ले लो। ठीक है समझ गया, हम ले लेते हैं ब्लूप को, चलो ले लिए, चलो। ठीक है जल्दी करो, आ जाओ पानी के अंदर। ठीक है आ रहे हम लोग, सब लोग आ रहे हैं। ब्लूप को हमें जल्दी जिंदा करना होगा, अगर हमने ब्लूप को जिंदा कर दिया तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले उस मछली से लड़ना होगा, और इतना आसान वो काम नहीं होगा। फ्रैंकलिन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ यार, नहीं तो लॉस सैंटोस वहाँ से सब मारे जाएंगे, और मेरा ये काम है सबकी रक्षा करना, अगर मैं उनको नहीं बचा पाया तो कोई फायदा नहीं है रहने या फिर ना रहने से, कुछ नहीं होगा फ्रैंकलिन, बस हिम्मत रखो। हाँ बस हिम्मत ही तो रखा हूँ, कहाँ पर है। बस चलते रहो फ्रैंकलिन, चलते रहो बिल्कुल अंदर। ठीक है समझ गया, यही के अंदर है फ्रैंकलिन।
अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया, जल्दी करो मेरे पीछे आओ। चलो सब लोग एक साथ चलते हैं, एक साथ चलेंगे तो हमारे पास ताकत रहेगी उसे हराने की, फिर उसे डराने की। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे बहुत डर लग रहा है फ्रैंकलिन, हम ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह पाएंगे, वो जड़ी बूटी का असर खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी ढूंढो। हाँ मैं जल्दी कर रहा हूँ। क्या तुम सब ठीक हो? एक साथ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो फ्रैंकलिन, चलते रहो। तुम मुझे रास्ता बताओ रिवेंजर। बस यहीं पर कहीं थी वो, कहाँ गई समझ में नहीं आता। बस चलते रहो। आई यहीं पे गई थी यार, कहाँ गई वो मुझे भी समझ में नहीं आता। यहीं पर थी वो आत्मा, कहाँ जा सकती है? जल्दी बताओ मुझे रिवेंजर, नहीं तो हम ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। जल्दी करो फ्रैंकलिन। हाँ ठीक है मैं जल्दी कर रहा हूँ। हाँ यार ये रही इसकी आत्मा, जल्दी इसको बंधंतर करता हूँ, बस काम बन जाएगा। ठीक है वो आसपास कहीं पर नहीं है, हमारा काम जल्दी बन जाएगा। जल्दी करो, वो आसपास रहती है, हमेशा रहती फ्रैंकलिन। सब लोग जल्दी मेरे नीचे उतरो, ठीक है? नहीं तुम लोग मेरे इलाके में आओगे और मेरा चीज ले जाओगे। नहीं रिवेंजर, तुम एक काम करो, जल्दी से आत्मा लेकर जाओ और इसके अंदर डाल दो। ठीक है मैं समझ गया फ्रैंकलिन, समझ गया। ठीक है ये रेडी पी, जल्दी करता हूँ, जल्दी आत्मा भरता अंदर, फ्रैंकलिन को मार देगी। रिवेंजर जल्दी करो, मैं गया, जल्दी करो, बस वो आखिरी बार है, मैं मर जाऊंगा। रिवेंजर वो आ रही है, मैं झेल नहीं पाऊंगा उसका वार। बताता हूँ तुझे। नहीं, क्या मैं जिंदा हूँ? मेरे दोस्त को खाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? नहीं ब्लो, मुझे छोड़ दो, मेरी गलती नहीं है। अब तुझे मैं मार दूंगा। फ्रैंकलिन निकलो यहाँ से। हाँ ब्लो तुम ठीक हो गए? निकलो मैं इसको खाने वाला हूँ। ठीक है मैं निकलता हूँ। तुमने सही कर दिया रिवेंजर, तुमने सही कर दिया। तुम बच गए फ्रैंकलिन, बच गए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा हुआ। अब लोग उसको देख लेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरी हालत बहुत बुरी है। नहीं मुझे छोड़ दो, मैं तुझे पूरा जिंदा खा जाऊंगा। नहीं मुझे छोड़ दो ब्लू, छोड़ दो मुझे। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। शुक्रिया बाद में कह देना ब्लू, हमें निकलना होगा, हमें जो आगे उन मॉन्स्टर को रोकना होगा, मतलब तुम्हें चलकर बोलना होगा, शायद वे तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। और हाँ टाइटन मॉन्स्टर ने तुम्हें मारा है। टाइटन मॉन्स्टर, उस कमबख्त को मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो ठीक है, हमें जल्दी बाहर चलना होगा ब्लूप, जल्दी करो हमारे पीछे आओ, हमें उन मॉन्स्टर को रोकना होगा। जाओ तुम ठीक हो ना? फ्रैंकलिन सब कुछ ठीक हो गया, मौसम ठीक हो गया, लेकिन जाकर मॉन्स्टर को रोकना होगा, हमने ब्लूप को ठीक कर दिया है। बाप रे क्या बात है यार। ठीक है ब्लूप, तुम्हें सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं फ्रैंकलिन, मैं काफी देर के लिए सांस ले सकता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, चलो उन मॉन्स्टर के पास। ठीक है चलता हूँ, मैं लोगों को काम दे देता हूँ, तुम लोग सब यहीं पर रहना ठीक है, यहाँ पर कुछ होने ना पाए। हेलो फ्रैंक, हमें तुम्हारे साथ चले गए। नहीं तुम मेरे साथ मत चलो, अभी तो नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा, परेशान मत हो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम लोग यहीं पर रहो, मैं सिंचैन और चौप जाते हैं ब्लूप को लेकर। ठीक है जाओ तुम फ्रैंकलिन, जाओ बिल्कुल फ्रैंकलिन, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ और मैं सबको देख लूँगा। ठीक है देख लेना, तो दोस्तों निकलता हूँ। चलो सिंचैन जल्दी करो, जल्दी बैठो, मुझे भी अपने आप को थोड़ा हील करना है यार, पट्टी वट्टी करवानी है, उस मैगलाडोन का अटैक बहुत ही भयंकर था। जल्दी करो चौप, बैठ गया फ्रैंकलिन, बस वेल ये बैठ गया, चल ठीक है, गुड बाय दोस्तों, गुड बाय। चलता हूँ जल्दी से, हम सारे मॉन्स्टर को रोकता हूँ। जल्दी करो फ्रैंकलिन, जल्दी करो। हाँ जल्दी कर रहा हूँ ब्लूप, सब कुछ मैं जल्दी ही कर रहा हूँ, बिल्कुल भी स्लो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है वो रहे बोलो, उन लोगों ने तबाही मचाना बंद कर दिया है जैन। बहुत सही उन्होंने किया। नहीं उन्होंने किया नहीं, उनको लग गया होगा कि तुम जिंदा हो गए, तुम सही हो गए। ठीक है मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो, बेवकूफ मॉन्स्टर्स सुनो मेरी बात, ब्लूप ठीक हो चुका है और इसको मारने वाला कोई और नहीं टाइटन मॉन्स्टर है। क्या बात कर रहे हो, अपनी औकात में रहो, वो हमारा दोस्त है। ऐसा वो हरगिज नहीं कर सकता, कैसे वो कर सकता है? अगर ब्लूप को तुम लोगों ने चिंता नहीं किया, हम फिर सामना शुरू कर देंगे। क्रैकर मेरी बात सुनो, मैं ब्लूप हूँ, जिस तरह से तुम लोगों ने पूरी तरह से पागल कुत्ते की तरह आतंक मचा कर रखा है, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो जिंदा है, मुझे भागना होगा, मेरी पोल खुल जाएगी, मुझे भागना होगा, जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो मुझे मार देंगे या फिर मुझे जेल में बंद कर देंगे, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने ब्लूप को मारा था। अरे टाइटन मॉन्स्टर ने ब्लूप को मारा था, वो भाग रहा है। ब्लूप मैं बात कुछ हूँ मेरे भाई,
तुमको जिसने मारा मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं देखता हूँ। अभी बच कर भागेगा कहाँ? कायर तू ये ले, मेरे दोस्त को मारता है। मुझसे दूर हट जा गॉडजिला, नहीं तो मारे जाओगे। तू मुझे मारेगा? रुक रुक कायर, ये ले, तेरे चक्कर में हमने हर जगह हमला किया, तेरे चक्कर में हमने फ्रैंकलिन के शहर को तबाह किया, लेकिन तूने गद्दारी की। अब तुझे मैं बाद में देखता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ, माफ कर दो मुझे। टाइटन मॉन्स्टर, हम तुम्हारी कार्रवाई बाद में करेंगे, बाकी शुक्रिया फ्रैंकलिन, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा ब्लूब, अपने इन बेवकूफ मॉन्स्टर को संभाल कर रखो, ये बिना सोचे समझे बर्बादी करते हैं। हम कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें पानी में डाल देता हूँ। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा फ्रैंकलिन, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक है दोस्तों, सब कुछ ठीक हो गया है, ब्लू भी ठीक हो गया है और कातिल पकड़ा गया, तो आपने जरूर वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अब भी नहीं किया और यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग ऐसे ही वीडियो बस देखते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।